हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि हम किससे सीख सकते हैं, कौन हमारा गुरु हो सकता है, कौन सी संस्था अच्छी है, कौन सा इंस्टीट्यूट अच्छा है, कौन लोग अच्छे हैं, कौन हमें रियली सिखा सकते हैं और मुझे उससे सीखना है, और कौन अच्छे नहीं है, मैं उनसे क्या सीखूंगा, वो तो खुद ही ऐसे है। फ्रेंड्स, एक कहावत है, दिए तले अंधेरा, दिए के नीचे रोशनी होती है, नहीं होती, अंधेरा होता है, पर हम दिए से रोशनी लेते हैं। हम कभी उसको कह के ये रिजेक्ट नहीं करते कि तेरे नीचे तो अंधेरा, तू मुझे क्या रोशनी देगा, करते नहीं, करते ना, हम रोशनी लेते हैं। हम कभी अपने मॉडर्न साइंस टीचर से ये नहीं देखते कि वो अपनी मदर इन लॉ को खाना देती हैं घर पे या नहीं, तो ही मैं मॉडर्न साइंस सीखूंगी अगर वो खाना देती हैं। हम जो वो सिखाती हैं हम सीखते हैं और वो हमें फायदा करता है। तो एक ऐसे सूफी संत थे, उन्होंने किसी ने पूछा कि आपके गुरु कौन है, उन्होंने कहा कि मेरे तो बहुत गुरु हैं, थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ गुरुज, और अगर मैं उनके बारे में आपको बताने चला तो इट्स नेवर एंडिंग स्टोरी। सो ही सेड, पर मैं आपको दो गुरुज के बारे में बता सकता हूँ जिनसे मैंने बहुत सीखा। तो उन्होंने अपने पहले गुरु के बारे में बताया, वो एक चोर था। उन्होंने बोला कि एक बार मैं जा रहा था जंगल में, रास्ता भूल गया और खोज रहा था कि मैं कहाँ जाके रुकूं, तो इतने में मैंने एक देखा, एक चोर कुछ चोरी करने की कोशिश कर रहा था, तो वो मुझे मिल जाता है और मैं उससे अपनी प्रॉब्लम बताता हूँ कि मुझे कहीं स्टे करना है और मुझे जगह नहीं मिल रही है। तो चोर ने बोला कि आप मेरे पास रुकना चाहें तो रुक सकते हैं, मैं चोर हूँ। तो वो कहते हैं ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उनके पास रुकते हैं, तो एक महीना उसके पास रुकते हैं, और उस एक महीने में वो देखते हैं कि हर रात वो काम करने जाता है और बोल के कि मैं काम करने जा रहा हूँ, आप प्लीज आराम करिएगा और प्रेयर करिएगा। और जब वो वापस आते हैं तो उनसे गुरु पूछते हैं कि आपका काम हुआ कुछ, वो कहते हैं नहीं आज कुछ नहीं हुआ, पर कोई बात नहीं, कल जाएंगे, गॉड विलिंग कल होगा। तो एक महीना वो कोई चोरी नहीं कर पाता और वो हर रोज ये सेंटेंस बोलता है कि आई गो टुमारो, गॉड विलिंग कल होगा। तो सूफी संत बोलते हैं कि वो मेरा एक वन ऑफ द गुरुज था जिसने मुझे ये सिखाया कि उम्मीद नहीं छोड़नी है, आशा की किरण हमेशा जलती रहनी चाहिए। दूसरा गुरु उन्होंने बताया कि एक डॉग था। डॉग कैसे गुरु हो सकता है? यस, सूफी संत ने बोला कि डॉग मेरा गुरु था क्योंकि एक बार मैंने एक डॉग को देखा कि वो पानी पीने जाता है, बहुत प्यासा होता है, और पानी जब वो पीने लगता है तो देखता है दूसरा डॉग सामने आ गया, तो वो भौंकता है, दूसरा डॉग भी भौंकता है, रिफ्लेक्शन होता है, सो वो अल्टीमेटली भाग जाता है। बहुत देर ऐसा चलता रहता है, अल्टीमेटली फिर आता है, वो बार बार डॉग आता है, अल्टीमेटली फाइनली वो फिर आता है और अल्टीमेटली वो पानी में कूद जाता है। तो उसने क्या किया, अपने फियर को कॉन्कर किया, जो उसको उससे डर लग रहा था कि ये दूसरा डॉग पता नहीं खा जाएगा या कुछ करेगा, अटैक करेगा, तो उससे डर के वो चला जाता था, लेकिन फाइनली उसने सोचा देखा जाएगा, तो वो उसमें कूद पड़ता है। तो उन्होंने बोला कि मैंने उससे ये सीखा कि अपने अंदर के फियर को खत्म करना है, डॉग मेरा दूसरा गुरु था। तो फ्रेंड्स, इस तरह से उन्होंने बोला कि मैंने हर इंसान, हर जानवर, हर नेचर की हर चीज से मैंने कुछ सीखा। तो कोई एक गुरु नहीं, हमारे लिए हर आदमी एक गुरु हो सकता है। तो हम उससे भी ये सीखते हैं जो अच्छा करता है कि हमें ये करना चाहिए, और हम उससे भी ये सीखते हैं जो गलत करता है कि हमें ये नहीं करना चाहिए, वो भी हमें सिखा रहा है। सो लेट्स लर्न फ्रॉम एवरीवन। Thank you.